ना, ये वचन पढ़ेंगे लास्ट, ताकि आपको समझ आ जाए कि आत्मा आपके अंदर है। बोलो, आत्मा आपके क्या है? अंदर है। तो यहां पे ऐसे लिखा, अफिसियों 1:13, सॉरी, तो यहां पे लिखा, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का शुभ समाचार है और जिस पर तुमने शास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। शाप मतलब मोहर। जिस दिन से आपने यीशु को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता माना है कि मैं यीशु मेरा प्रभु और गुरु है, मन से यह विश्वास किया है, जिसने मन से नहीं, जिसने वैसे ही, जिसने मन से विश्वास किया कि वो मेरा प्रभु और गुरु है, उसी दिन से पवित्र आत्मा की मोहर आपके ऊपर लग चुकी है, उसकी छाप आपके ऊपर लग चुकी है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है? करते हो? नहीं, मन से करते हो? जो लोग मन से करते हैं, मैंने कहा चाहे आज पहले दिन क्यों नहीं आया, आज वो पवित्र आत्मा का दान वो लेगा और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएगा और वो अन्य भाषा बोलना शुरू करेगा। बोलो, विश्वास करते हो? करते हो विश्वास कि ये दान परमेश्वर ने मुझे दे दिया है? बोलो, क्योंकि मैं किस पर विश्वास करती हूं? करता हूं तो उसने अपनी सामर्थ आपको दे दी। बोलो, उसने अपनी सामर्थ आपको थे दी है, देगा नहीं, दे दिया आपके ऊपर। उसी दिन से शाप मोर लग चुकी है जिस दिन से आपने यीशु को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता माना है। क्या माना है? उसी दिन से आपको पापों से माफी और परमेश्वर की सामर्थ वो थे दी है और आत्मा आपके अंदर है। आत्मा, कितने लोग उसकी आत्मा की सामर्थ को आज प्रकट करना चाहते हैं? अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप विश्वास करते हो, तो आज स्वर्ग से परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। बोलो, पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे। बोलो, और आप अन्य अन्य भाषा बोलने लगोगे। अपने अपने दोनों हाथों को उठाओ, कहो कि परमेश्वर, जो मैंने आज सुना, जो मैंने सीखा कि मैं पापी था, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं था, यह तेरा अनुग्रह है, यह तेरी कृपा है कि मुझ पापी पर तूने दया की, मुझे इस योग्य बनाया, मेरे अपराधों का लेखा तूने मुझ पर नहीं लगाया, मेरे अपराधों को तूने क्षमा किया और तूने मुझे जी उठने के बाद मुझे जी उठाया उस पाप से और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरी उस आत्मा की, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में ले सकूं। मैं इस योग्य नहीं था, यह तेरी दया, यह तेरा प्रेम है जो तूने मुझसे किया। और मैं विश्वास करती हूं खुदा कि जो मैंने सीखा, जो मैंने आज समझा, मैं तुझ पर भरोसा करती हूं, भरोसा करता हूं। तेरा आत्मा मुझ पर है, तेरा आत्मा उस दिन से, जिस दिन से मैंने तुझ पर विश्वास किया, उस दिन से ही मेरे अंदर है। विश्वास करो कि आत्मा मेरे अंदर है, और जब मैं अन्य भाषा बोलना शुरू करूं और बिना सोचे, एक सेकंड आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, जब मैं अन्य भाषा करूं तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपने नहीं सोचना कि मेरे मुंह से क्या शब्द आ रहे, आपने बिना सोचे, बिना अटके उन शब्दों को जो परमेश्वर आपके मुंह में डाले आपने बोलना है। बोलो क्या है? बिना सोचे, बिना सुने, आपने ये नहीं सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, आपने बोलना है। आपको जो शब्द परमेश्वर आपके मुंह में दे आपने बोलना शुरू करना है। क्या करना है? तैयार हो? बोलो तैयार हो? जितने ऑनलाइन है तैयार हैं तो तैयार हो जाओ। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर। किसी ने भी अपनी बुद्धि की प्रार्थना नहीं करनी,
जैसे बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर आप मुझे कुछ लोग मांगते हैं, आप मुझे पवित्र आत्मा दो दो दो, ये ऐसे नहीं करना। जो शब्द आपको थे अपने बोलना शुरू करना, अपने बुद्धि की प्रार्थना नहीं करनी, आज अपने पवित्र आत्मा से भर कर अन्य भाषा से बोलना है। सब अपनी आंखों को बंद रखो और हाथों को उठाओ। कुछ लोग बच्चे अपने माइक लो जो अन्य भाषा में बोलते हैं, इनके माइक खोल दो सबके। सबने रुसंबोरे अल्लाह बाबा री सिखाना देखो री सखाना ला बाबा 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 रुशा बाबा 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 रिसंबोर लिया बाबा बाबा रुसंबोरा बाबा बाबा भूतात्मा के सामर्थ्य से भर जाओ रुसंदरी अन्नाई के सक्रो ला बाबा 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 रुशा बाबा बाबा रुसे पिपे नानी के अरे सुंदरो ला बाबा बाबा रुशे केरे ला बाबा बाबा री सत्रो बानी दाका जो शब्द परमेश्वर आपको दे रहे हैं, जो शब्द आपके मुंह में आ रहे हैं, जो शब्द आपके मुंह में आ रहे हैं, बोलना शुरू करो। चाहे आज आप पहले दिन क्यों नहीं आए, बोलना शुरू करो। जो शब्द आपके मुंह में आ रहे हैं, बोलो 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 बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ सब बोलो सब बोलो सब बोलो कौन 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 अपनी आंखों को बंद रखो। सब अपनी आंखों को बंद रखो, सीरियस हो परमेश्वर के साथ, सीरियस हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम इस योग्य नहीं थे। ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसने आपसे किया और उसने आपे इस योग्य बनाया कि उसने अपनी सामर्थ का हिस्सा आपको दिया है। आप इस योग्य नहीं थे, ये उसकी दया, ये उसका प्रेम है कि उसने अपनी सामर्थ का, अपनी ताकत का हिस्सा, अपनी आत्मा का हिस्सा आपको दिया है। कितने लोग आज विश्वास करते हैं और उस आत्मा से भर गए हैं? कितने लोगों ने आज अन्य भाषा को बोला है, चाहे दो शब्दों से उन्होंने बोला? कितने लोग हैं वो आगे आई जितनों ने आज अन्य भाषा को, उस आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन से बोलकर प्रकट किया? आगे आई जितने भी शब्दों से उन्होंने आज बोला, आगे आई, यहां पे आई, आगे इस साइड आई, सारी इस साइड, जिन्होंने आज पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट किया, जिन्होंने अन्य भाषा बोली आज, जितनों ने आज पुत्रात्मक की सामर्थ को प्रकट किया है, क्या बाकी लोगों से मुंह से परमेश्वर ने बोला नहीं है? कि वो ऑलरेडी पहले से बोलते थे, बोलो, जो लोग बोलते थे पहली बार वो नहीं, जो जिन्होंने आज पहली बार बोला है, जो बोलते हैं वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने आज पहली बार बोला है, और ये बहुत खुशी की बात है, बोलो क्या है? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुशी की, बोलो क्या है? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपको वो खजाना, आपको वो दौलत मिल गई है
जो दुनिया की दौलत से खरीदी नहीं जाती, जो दुनिया की दौलत से, अभी साइड पे आओ जितने भाई लोग हैं, जिन्होंने आज ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, बोलो क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो चीज को अपने आज पाया है। बस ऐसे ही अपने एक दो लोगों को मुंह से मैं देखना चाहता हूं। सबसे पहले इनके पास आई ताकि लोगों को ऐसे ना हो, बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये बहुत बड़ी सामर्थ का खजाना है। बोलो आप कितने समय से विश्वास करते थे? कितने समय से? पापा जी कुवारे से जी तौबा की थी। अभी ये कुवारे हैं जब से इन्होंने तौबा की बपतिस्मा ली, पर अभी तक इन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। यस आमीन। और कितने साल हो गए? 18-19 साल हो गए इन्हें प्रभु में। और आपको यहाँ पे इस मिनिस्ट्री पे आए कितने समय हुआ? अभी 2 महीने। अभी सिर्फ 2 महीने हुए, और 2 महीने में इनके जीवन में बहुत काम किया, और आज परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का हिस्सा इन्हें 20 साल के बाद दे दी अपनी सामर्थ। ये है सामर्थ, ये है परमेश्वर की सच्चाई जो लोग जानते नहीं और भटक रहे हैं इस दुनिया में। बोलो और नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ उससे जाऊं आगे कोमल, कोमल से इंदौड़िया शाखा बाबा इंदौड़िया शाखा बाबा यस यस आमीन हालेलुया। उनसे जाऊं वो वाली बेटी के पास। ये क्यों मैंने ऐसे कहा? ताकि लोगों को जो देख रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए। ऐसे ना भी ऐसे खड़े कर दिए, क्या कर दिए ऐसे खड़े। भाइयों से भी जाऊं उनसे, ये जो फर्स्ट नंबर के, आप भी बोलो इधर से क्या करते हो? कोई नहीं है। कोरिया सकल बाबा बाबा कोरिया सकल बाबा 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 कोरिया सकल बाबा बाबा बाबा। यस आमीन हालेलुया। ये छोटी बात नहीं, बोलो क्या है ये दुनिया की सबसे, बोलो क्या है ये दुनिया की सबसे सामर्थ का बड़ा खजाना है। बोलो क्या है दुनिया की सबसे सामर्थ का बड़ा खजाना, बड़ा खजाना। बोलो क्या है? क्योंकि बाइबल बताती जो अन्य भाषा में बातें करता मनुष्यों से नहीं, वो किससे बातें करता है? और मैं जानता हूं ये लोग आज से बस ऐसे बने रहना और परमेश्वर से रोज रोज ऐसे बातें करना, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाले हैं। मैंने कहा आपकी सोच से भी ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। ये है परमेश्वर की सामर्थ। आमीन हालेलुया। और जो लोग रह गए हैं उन्होंने इसी चाहत से इसी प्यास में रहना है। बोलो जो लोग रह गए उन्होंने इस चाहत में रहना और प्यास में रहना। और जो लोग बोलते हैं ऑलरेडी पहले से ही ये अन्य भाषा बोलते हैं उन्होंने इस चीज में बढ़ना है।